नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के शुरू होने के बाद से देश में करीब 600 साइड इफेक्ट के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ राज्यों से टीका लगने के बाद मौत की खबरें भी सामने आई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह वैक्सीनेशन नहीं पाई गई है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सच्चाई है कि वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। जो भी साइड इफेक्ट के मामले सामने आ रहे हैं वो सामान्य है, किसी भी वैक्सीनेशन में ऐसा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में टीका लगवाएंगे। दूसरे फेज में मोदी के साथ साथ सभी मुख्यमंत्रियों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, ये दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ नेताओं ने कहा था कि प्रधानमंत्री को पहले खुद वैक्सीन लगवानी चाहिए थी। देश में पहले फेज का वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू हुआ था। इसमें 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर को टीके लगने हैं। इसके लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरा फेज कब शुरू होगा ये अभी तक तय नहीं है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। पद संभालने के चंद घंटे बाद ही वे एक्शन में आ गए। उन्होंने ताबड़तोड़ 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। सबसे पहले उन्होंने मास्क पहनने को जरूरी किए जाने वाले ऑर्डर पर साइन किया। पहली बार राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचकर बाइडेन ने मीडिया से कहा, मुझे कई काम करने हैं इसलिए मैं यहां पर आया हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता, तुरंत काम शुरू करने जा रहा हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगले 7 दिन में कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करूंगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 57वां दिन है। एक तरफ केंद्र सरकार किसान आंदोलन खत्म करवाने के लिए झुकती नजर आ रही है, दूसरी तरफ भाजपा नेता विवादित बयान दे रहे हैं। ताजा विवाद दौसा से भाजपा सांसद जसकौर मीना के बयान से जुड़ा है। जसकौर का एक वीडियो राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें वह कह रही हैं, अभी कृषि कानून का ही लेख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लहराया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कैसे सोचे कि इस देश में कितनी रुकावटें हैं। भारतीय खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से लौट आए। टीम ने ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में शिकस्त देते हुए इतिहास रचा है। अब अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट, T20 और वनडे सीरीज की जीत की तैयारी करना है। रोहित शर्मा को छोड़ दें तो बाकी खिलाड़ी 5 महीने बाद देश लौट रहे हैं। सभी खिलाड़ी IPL के लिए करीब 20 अगस्त को UAE पहुंचे थे। यहां से 12 अक्टूबर को टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुई थी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 4,351 पक्षी मृत पाए गए हैं। 8 जनवरी के बाद एक दिन में हुई यह सबसे ज्यादा मौतें हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक बर्ड फ्लू से मरने वाले पक्षियों की संख्या बढ़कर 8,273 तक पहुंच गई है। इनमें सबसे अधिक 3,700 मुर्गे और मुर्गियां यवतमाल के सांवरगढ़ तालुका में मृत पाए गए हैं। पुणे, मुंबई, ठाणे समेत राज्य के 9 जिलों के 17 स्थानों पर बर्ड फ्लू के मामले मिले हैं। इन जगहों पर मुर्गा और मुर्गी, बगुले, कौवों और कबूतरों, तोतों की मौत हुई है। पुणे से सटे पिंपरी चिंचड़ में एक सिरफिरे ने बंदूक की नोक पर एक लड़की का अपहरण कर लिया। मंगलवार शाम को हुई इस घटना का CCTV वीडियो सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। पुलिस ने वारदात के 6 घंटे बाद आरोपी को अरेस्ट कर लड़की छुड़ा लिया है। पिस्तौल को देखकर पीड़ित डर गई और मजबूरी में उसके साथ एक स्कूटी पर बैठकर चली गई। इस बीच ऑफिस के किसी स्टाफ ने लड़की के पिता को इसकी जानकारी दी और पिता की शिकायत पर पिंपरी चिंचड़ पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे के भीतर लड़की को आरोपी के घर से बरामद कर दिया। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। जलगांव के 40 गांव तहसील के बड़गांव लंबे गांव में ग्राम पंचायत चुनाव नतीजे के बाद को हुई हिंसा का एक वीडियो बुधवार को सामने आया है। इसमें चुनाव नतीजों से नाखुश दो पक्ष आपस में एक दूसरे पर तलवारों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट की घटना में दोनों पक्षों की ओर से 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की कंप्लेंट पर पुलिस ने इस मामले में 34 लोगों के खिलाफ शांति भंग और जानलेवा हमला का केस दर्ज किया है। इसमें से एक पक्ष यानी प्रकाश नीलकंठ पाटिल के पैनल ने गांव की 9 में से 8 सीटें अपने नाम की थी। पाटिल इस सफलता पर खुश होकर घर घर जाकर लोगों का धन्यवाद कर रहे थे। इतने में उनके विरोधी कुणाल पाटिल ने अपने 2 दर्जन समर्थकों के साथ पाटिल और उनकी टीम पर हमला कर दिया।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़क सुरक्षा माह और परिवहन विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास गुरुवार को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी ने किया। सुरक्षा माह का शुभारंभ के साथ नियमों के पालन करने के लिए सभी को शपथ दिलाई गई। योगी ने कहा कि पहले लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, फिर उसके बाद नियमों का कड़ाई से अनुपालन करवाएं। इस मौके पर योगी ने कहा, बीते 3 साल में हमने घटनाएं रोकने के लिए बहुत सी सावधानी बरती है और प्रयास किए हैं, जिससे घटनाएं रुकी और कम भी हुई है। योगी ने कहा कि परिवहन निगम व अन्य विभाग के अधिकारी पहले सप्ताह जागरूकता अभियान चलाएं, उसके बाद नियमों का कड़ाई से पालन न करने के लिए चालान करें। राजस्थान के जोधपुर में पहली बार भारतीय राफेल ने जौहर दिखाए। भारत फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्ध अभ्यास 20 जनवरी से शुरू हुआ है। यह 24 जनवरी तक चलेगा। सबसे पहले दोनों देशों के राफेल जेट ने उड़ान भरी। इसके बाद सुखोई व मिराज ने भी आसमान में अटखेलिया करते नजर आए। जोधपुर का साफ मौसम भी दोनों देशों के पायलट्स को रास आया। दोनों देशों के राफेल फाइट्स समेत अन्य विमान बुधवार को ही जोधपुर पहुंच गए थे। पहले दिन दोनों टीमों ने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन लिया। इसके बाद देर रात तक वॉर रूम में युद्ध अभ्यास की रणनीति तैयार की गई।